शामिल है, अब पूछताछ हो रही है और सुप्रीम कोर्ट भी आज सुनवाई कर रहा है, क्या डिमांड करती है आप लोग? क्योंकि एक बहुत हाई प्रोफाइल मामला, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे से जुड़ा हुआ मामला। देखिए, पिछले साल भर से देश भर का किसान आंदोलन कर रहा है कि जो तीन काले कानून किसी भी किसानी संगठन से बात किए बिना किसान देश के किसानों के ऊपर थोपे गए हैं, जिससे किसान के मन में डर है कि उसकी ज़मीन, उसका अनाज, उसके बच्चों का भविष्य सब पूंजीपतियों के हाथ में आ जाएगा। और लगातार सरकार से मांग है कि ये आप कानून वापस लीजिए और हमारे साथ सलाह मशवरा करके आप ऐसा कानून लाइए जिससे हमारा भला होता है। लेकिन अफसोस इस बात की कि साल भर से सरकार ने किसानों की एक भी नहीं सुनी और अब तो ये हालात हो गए कि साल भर से उनकी आवाज़ को चल रहे हैं, अब शरे आम किसानों को ही कुचलने में आ गए हैं। चाहे हम देखें कि कैसे लाठियों के साथ हरियाणा में क्या व्यवहार हो रहा है, दिल्ली के बॉर्डर में क्या व्यवहार हो रहा है, कुछ दिन पहले राजस्थान में लाठियां खाई, यहां तो गाड़ी के साथ मंत्री का बेटा कुचल दे, जो मंत्री 5 दिन पहले एक भरी सभा में कहते हैं कि हम इनको सबक सिखाएंगे सुधर जाए, तो वो घर में अपने परिवार के बीच में और बेटे को क्या कहते होंगे। और अब सारी वीडियो सामने आ गई कि कैसे तेज़ रफ्तार से पीछे से आके गाड़ी ने किसान को कुचल डाला। ये बेकसूर किसान जो अपना एक शांतमय आंदोलन, अब किसान अपनी आवाज़ भी ना उठाएं जी, उनकी कोई पीड़ा है। और अफसोस की बात कि जब वीडियो है, आई विटनेसेस है, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, अदालत सुमोटो नोटिस ले रही है, लेकिन 5 दिन गुजरने के बाद जिस मंत्री का और उसके बेटे का नाम आ रहा है, ना मंत्री को बर्खास्त किया गया है और ना ही बेटे को आज तक पूछताछ के लिए बुलाया गया, उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया है? आपकी डिमांड है मंत्री को बर्खास्त? बिल्कुल हमारी मांग है। देखिए, जो होम मिनिस्टर अमन शांति को भंग करके, लॉ एंड ऑर्डर को भंग करने का संदेशा कि मुझे पहचान लो, मेरे बारे जानते हो आप कि मैं कैसे, सबक सीख जाओ, सुधर जाओ, जो उकसा रहा है लोगों को, जो भाइयों भाइयों को लड़ाने की बात कर रहा है, इससे और घटिया राजनीति क्या हो सकती है? और आप उसको अपने मंत्रिमंडल में बना के रखें तो बहुत ही घटिया बात है। उसके बेटे को आज तक आप पूछताछ ना करिए, जिसके बारे में जो स्टेज में उनके साथ है, वो गाड़ियों से अब तो बहुत तरह की वीडियो सामने आ गई है। सो बहुत अफसोस की बात है कि इस बेकसूरों की जान जाने में, जो सारी दुनिया देख रही, सारा देश देख रहा है, लेकिन सरकार, क्योंकि सरकार के बच्चों के लिए अलग कानून है और गरीब किसान के लिए अलग कानून है, इसलिए 5 दिन से कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। हमारी डिमांड ये है कि जो मोनू मिश्रा है वो इमीडिएटली वो अरेस्ट हों, बनती हुई कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए और जो मंत्री हैं उनको एकदम डिसमिस किया जाए और ये जो निहत्ते बेचारे गरीब, जो बेकसूर गरीब किसान, नौजवान बच्चे चले गए हैं, कई सारे जो नुकसान हुआ है 8 जानों का, उनका पूरा मुआवजा दिया जाए, उनको सरकारी नौकरी भी दी जाए और हर तरह से सबसे पहले वो चाहते हैं इंसाफ, इंसाफ देना चाहिए ताकि ये हरकतें बार बार ना हो। क्योंकि कहीं पे हरियाणा के मुख्यमंत्री उकसा रहे हैं लोगों को कि लाठी उठा लो, यहाँ यूनियन मिनिस्टर उकसा रहे हैं लोगों को कि सबक सिखा दो, तो ये देश को कहाँ लेके जा रहे हैं? कितना बांटेंगे आप देश को?